Like a wave in the ocean, disappear my emotion. Yeah, you kill my devotion. Oh, you kill my devotion to you. Like a flame in the fire, yeah, you turn me haywire. Disappear my desire. Disappear my desire for you. Like a wave in the ocean, disappear my emotion. Yeah, you kill my devotion. Oh, you kill my devotion to you. Like a flame in the fire, yeah, you turn me haywire. Disappear my desire. Disappear my desire for you. ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक की तरफ से नमस्कार। और आप सबको इतना मैं बता दूं कि आने वाले कुछ टाइम अपने दिमाग को पूरा खुला रख दीजिए, क्योंकि तो खुला दिमाग वैसे ही होता है जैसा पैराशूट खुला हुआ। पैराशूट अगर किसी के पास है तो वो काम तभी करेगा जब वो खुल जाए। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका बहुत बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने इससे पहले किया, इसके साथ साथ में किया। वो बहुत अच्छे बिल्डर रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर रहे हैं, और उनका अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन का और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उसके वो मालिक हैं। उन्होंने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को समझा और साथ ही साथ में अपने सारे जितने भी अपने खास खास लोग हैं उनको समझाया। आज बहुत अच्छी तरीके से ये बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। तो मैं हम सब अपने अपने घरों से दिल से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर फियाज कुरैशी का। फियाज जी, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने ये मौका दिया कि सबके सामने मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर पाऊं। एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मॉर्निंग मॉर्निंग मैं आपको बोल देता हूं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हमारे लीडर जी। सर, थैंक यू, थैंक यू।
सो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहे हैं, इसका नाम ही खुद में चेंज योर लाइफ है, मतलब अपनी जिंदगी में एक बदलाव। और एक बदलाव कैसा होता है, ये बदलाव है पॉजिटिव बदलाव। और जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चाहते हैं ना दोस्तों, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे एक इंसान जो कुछ सीढ़ियां चढ़ रहा है, मतलब ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे एक लाजवाब सा घर और कुछ अच्छी प्यारी लग्जरी गाड़ियां, और हम देख रहे हैं एक ऐसी इनकम सोर्स जो कंटिन्यूअसली हमारे पास आ रही है। तो मेरी भी चाहत हमेशा से जिंदगी की यही रहे कि ऐसी ही जिंदगी हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की भी चाहत यही होगी कि हमारी जिंदगी भी ऐसी हो। अब इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं कुछ खास बातों के ऊपर आपको तवज्जो दिलवाना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को ओपन माइंड से, खुले दिमाग से सुना और समझा है, उनकी जिंदगी में ये बिजनेस बहुत सारे बदलाव लेकर के आया है, जिनमें से मैं भी खुद एक हूँ। दूसरा, ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है, लेकिन दुनिया के बड़ा सा बड़ा बिजनेस जो आपको रिटर्न दे सकता है, उतना ये पोटेंशियल रखता है, उतनी कुवत रखता है। तो इसको छोटा ना समझे, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करना है। फाइनली डिसीजन आपका होगा कि आप इसको आगे किस तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बिजनेस सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके सपने होते हैं। जिनके सपने नहीं होते, उनके लिए बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जितने साथी आज यहाँ पे मौजूद हैं, सबके खूब सारे और बड़े बड़े सपने होंगे। अब हमने सपनों की बात की है, तो ये देखते हैं दोस्तों कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में हमारे साथ क्यों आते हैं, और क्या सपने पूरे करने आते हैं, और उनके क्या सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि एक ऐसी इनकम सोर्स जो कुछ समय काम करने के बाद, भले ही वो 3 से 5 साल हो, कुछ समय काम करने के बाद वो परमानेंट हो जाए और हमारे को इनकम आती रहे, भले ही उसके बाद हम काम करें या ना करें। और जितने भी दुनिया में रईस हैं, जितने भी अमीर हैं, वो सब लोग इसी तरीके की इनकम को बिल्ड करते हैं, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये ज्यादातर लोगों का सपना होता है। दूसरा बहुत मेन जो खास सपना है वो है अपने खुद का एक ड्रीम लग्जरी हाउस, एक खूबसूरत सा, एक ऐसा आशियाना जहां पे हमारे सारे सपने पूरे हों, हमारी फैमिली हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे वहां पे बड़े हों, और एक अच्छी जिंदगी हम बिता पाए, ऐसा घर। और इसके अलावा एक और सपना होता है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, जो आज की डेट में हिंदुस्तान में खूब सारी आ रही है, एक से बढ़कर एक गाड़ी आ रही है। और हमारे मनोज मलिक सर ने अभी एक गाड़ी ली भी है, जिसका नाम है BMW 5 सीरीज। और जब से वो गाड़ी देखी है, मेरे सपनों में भी वही गाड़ी आने लगी है। इस तरीके के सपने आप भी जरूर देखते होंगे। प्लस एक शौक होता है देश और दुनिया घूमने का। ये शौक मुझे भी है। दुनिया में बहुत खूबसूरत खूबसूरत कंट्रीज हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई हैं, और अगर हमने ये जाकर के विजिट नहीं की, वहां हम नहीं गए, तो मुझे लगता है कि हमारा ये जन्म अधूरा सा रह गया। और इसी तरीके से सपना होता है अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने का, और वो भी विदाउट टेंशन, कल की चिंता के बगैर। आज की डेट में हम लोग, ज्यादातर लोग समय तो बिता रहे हैं, लेकिन कईयों को आज भी टेंशन है कि ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी। तो इस तरीके का टेंशन अगर होगा तो वो क्वालिटी टाइम नहीं हो सकता। तो हम चाहते यही हैं कि समय बिताएं, जो आज की डेट में हमें अच्छा भी लग रहा है अपनी फैमिली के साथ समय बिताना, लेकिन विदाउट एनी टेंशन। और फिर नेम और फेम, ये कौन नहीं चाहता साहब। हर इंसान चाहता है कि जो भी वो काम करें उसके लिए लोग उन्हें पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, उनके लिए तालियां बजाई जाएं, उनको सामने बुला करके मुखातिब किया जाए, उनको भी खूब सारे हार पहनाए जाएं, इस तरीके की रिकॉग्निशन की चाहत होती है। कई लोग तो ये कहते हैं साहब, पैसा आए ना आए, रिकॉग्निशन मिल जाए, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके का सपना होता है, प्लस चाहत होती है एक सिक्योर्ड फ्यूचर की, मतलब कल की चिंता ना होना, मतलब ये माइंड में ना रहना
कि अगर कल मेरी जॉब नहीं रही तो क्या होगा, मेरा काम नहीं रहा तो क्या होगा, मैं नहीं रहा तो क्या होगा, ये चिंता लोगों को सताए चली जाती है और बहुत जल्दी जवानी में ही लोगों को बूढ़ा भी कर देती है। तो लोग चाहते यही हैं कि हमारा कल का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, और जब ये सारी चीजें हमारी पूरी होती हैं तो हम चाहते हैं लोगों की मदद करना, अपने समाज के लिए कुछ काम करना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों के घरों में रोजगार पैदा करना, ये सपना होता है। तो ये कुछ खास सपने हैं जो हम सबके होते हैं, कॉमन सपने हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सपने तो हमारे बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हो जाते हैं, लेकिन हमारी इनकम जो है वो इसके मुकाबले में छोटी पड़ जाती है, और इस वजह से हम धीरे धीरे अपने सपनों को भूलने लग जाते हैं या उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी नहीं, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, छोटी सी ही गाड़ी ले लेते हैं, ऑल्टो ही ले लेते हैं, ऑल्टो में भी तो एसी है, ऑल्टो में भी तो चार पहिए हैं, ऑल्टो नहीं तो बाइक ही सही, बाइक नहीं तो मेट्रो ही सही। इस तरीके से हम अपने सपनों को छोटा करते चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं, और ना जाने हम अपने फैमिली के लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है वो कम पड़ जाती है सपनों के मुकाबले में, और साथ में दो ऐसे राक्षस हमारे जिंदगी में हमेशा पीछे पड़े रहते हैं जिनको हम कहते हैं महंगाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। महंगाई आज अगर हम देखें तो हर साल लगभग 11-12% के दर पे महंगाई बढ़ रही है, और हर साल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। पहले हम अकेले होते हैं, फिर हमारी फैमिली हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई, इस तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। होता क्या है कि जो इनकम हमारी जॉब या बिजनेस से थोड़ी बहुत बढ़ती भी है अगर 5-10% साल में, वो ये इन्फ्लेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों खा जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी चादर को बढ़ाना है, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, और इनकम को इतना बढ़ाना है कि वो इन्फ्लेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रॉस कर जाए। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट आपके साथ शेयर किया है, इस चार्ट में हम देखेंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि कितनी हाउस होल्ड मंथली इनकम में एक घर चल जाता था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1940 में एक घर बड़े आराम से 10 रुपए में चल जाता था, 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था। बहुत ज्यादा लग्जरीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक खर्चे हुआ करते थे घर को चलाने के लिए वो 100 रुपए के अंदर अंदर पूरा हो जाता था। यहाँ तक अगर 1960 की बात करें तो 100 रुपए में हम प्लॉट भी खरीद लिया करते थे। 1980 आया और ये 100 रुपए बढ़कर के 1000 रुपए हो गया, फिर 2000 आया और ये 1000 रुपए बढ़कर के 10000 रुपए हो गया। अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे हैं दोस्तों, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब घर के खर्चों के लिए एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। अब 2020 आ गया है और हम बड़े आराम से सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि एक परिवार को अगर ठीक ठाक तरीके से चलाना है बेसिक लाइफस्टाइल के साथ, मतलब अपना घर हो, एक छोटी सी गाड़ी मैनेज कर रहे हो, बच्चे ठीक ठाक से स्कूल में जा रहे हो, और अपने खाने पीने और पहनने के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो, तो मिनिमम एक घर को चलाने के लिए आज 1,00,000 रुपया चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 2020 में 1,00,000 को चाहिए, तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए क्या हम 1,00,000 की तैयारी कर चुके हैं, क्या हमारे घर में 1,00,000 रुपए आज आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे तो मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि आप बहुत सारी चीजों के ऊपर आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे लाइफ में। अब 2040 भी आएगा और एक जीरो इसमें और बढ़ेगा और 1,00,000 की जगह 10,00,000 रुपए चाहिए होंगे, और ये आप बड़े भले भांति समझ सकते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये बहुत छोटी बात है कि शायद हमें 10,00,000 से ज्यादा चाहिए हो 2040 में। तो क्या हमने उसकी तैयारी कर ली है, क्या हमने अपने बच्चों के लिए उसकी तैयारी कर ली है? और अगर नहीं करी है दोस्तों तो हम थोड़ा सा एक अपने लाइफ सर्कल को देख लें, लाइफ साइकिल को देख लें, जिसको हम कहते हैं कल आज और कल। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर के 20 साल तक की जो उम्र होती है हमारी, वो समय हमारे लिए एजुकेशन का होता है, नई चीजों को सीखने का होता है, और इस टाइम पे हम डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, और हमारी जितनी भी चाहतें होती हैं वो हम अपने पेरेंट्स के सामने
रखते हैं और पेरेंट्स कोशिश करते हैं उन चाहतों को पूरा करने का। मेरे ख्याल से सब लोग ये एग्री करेंगे कि हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल अगर कोई थे तो वो यही वाले थे 0 से 20 तक के। और फिर 20 साल के जब हम हो जाते हैं, 20-21 साल के, पढ़ाई लिखाई करके जब फ्री होते हैं थोड़ा सा, तो नौकरी करना शुरू करते हैं। जब नौकरी करना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं क्योंकि इनकम आनी शुरू हो जाती है। आज तक हमारी खुद की इनकम नहीं आ रही थी, इनकम आनी शुरू हो जाती है, हम उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन ये खुशी कुछ दिन की रह जाती है क्योंकि घर वालों की तरफ से एक आपको फोर्स होना शुरू हो जाता है एक तरीके से कि अब शादी करिए और अपना घर बसाइए। अब शादी तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन शादी जब करते हैं तो अब घर में 2 लोग हो जाते हैं और साथ में पेरेंट्स भी डेफिनेटली। और अब जो इनकम आ रही थी जो हम अपने ऊपर अकेले खर्च कर रहे थे, अब वो हमारे पार्टनर के ऊपर, हमारे लाइफ पार्टनर के ऊपर भी खर्चा होना शुरू हो जाता है। मतलब इनकम वही रहती है लेकिन खर्चा डबल हो जाता है। हमारे, हम जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारा बॉस बुला करके हमें ये तो कहता नहीं है कि साहब मुबारक हो आपकी शादी हो गई, अब आपकी इनकम डबल, तो ऐसा तो होता नहीं। लेकिन खर्चे जरूर डबल हो जाते हैं और कुछ समय के बाद एक रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है कि जी चुन्नू मुन्नू लाइए, आप पोता पोती दीजिए, नवासा नवासी दीजिए। और हमारे फिर बच्चे होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो खर्चा और बढ़ता है हमारा, और 2 से वो 4 लोगों में अब बढ़ जाता है और इनकम लगभग लगभग उतनी या थोड़ी ही बढ़ पाती है। और कुछ समय के बाद जब फैमिली बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं चलिए अब आना जाने के लिए एक गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी के लिए हम लोन लेते हैं। अब होता क्या है, अगर हमारी 50,000 रुपए की सैलरी थी तो 50,000 में थे 10,000 रुपए के करीब तो अब किश्तों में जाने लगती है। अब जो हम घर का खर्चा 50 में चला रहे थे अब वो 40 में चलाना पड़ता है। तो इनकम और कम, खर्चे ज्यादा, और धीरे धीरे फिर सोचते हैं हम अपना एक घर बना लें, घर के लिए फिर से हम लोन ले लेते हैं, फिर किश्तें शुरू हो जाती हैं। अब वो 40,000 से 25,000 पे हम आ जाते हैं और 25,000 पे हमें अपना घर चलाना पड़ता है। साथ में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के साथ साथ उनकी एजुकेशन का खर्चा भी आ जाता है। और अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है तो आपको मालूम है दोस्तों कि आज की डेट में मिनिमम आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए और गुजारा कैसे होगा। तो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्चा होने लगता है, फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, फिर बच्चों की शादी का समय आ जाता है, आप उनकी शादी करते हैं, जो भी आज तक आपने बचाया होता है शायद दोस्तों वो शादी के समय वो खत्म हो जाता है। और आप सोचते हैं अब मैं फ्री हो गया, पहुंचते पहुंचते आप 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं और ये टाइम होता है जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। अब रिटायर हो जाते हैं लेकिन रिटायर होने के बाद होता क्या है जरा उसका एक चार्ट देख लेते हैं। लगभग 45% लोग ऐसे होते हैं रिटायरमेंट के बाद जो फाइनेंशियली अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी या ओल्ड होम्स में चले जाते हैं, यानी इनका खर्चा चलता है अगर कोई कुछ दे गया तो। 23% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र के बाद भी काम कर रहे होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। और सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जिनका हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, देने वालों में रहता है। तो दोस्तों ये अब हमने सोचना है, ये स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, हमें सोचना है हमें किस कैटेगरी में आना है। मैंने चुना अपने लिए 2% और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी 2% की ही कैटेगरी में आना चाहेंगे। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जो काम करते हैं वो काम किस लिए करते हैं। हम काम करते हैं खुशी के लिए। खुशी हमें मिलती है अगर हमें हमारे पास समय की फ्रीडम हो। समय की फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे पास समय अपना हो, हम वो कर सकें अपने समय में जो हम करना चाहते हैं, ना कि मजबूरन हमें कुछ करना पड़े। दूसरा, हमारे पास पैसे की फ्रीडम हो, मतलब एक इनकम सोर्स ऐसी हो जो हमारे पास कंटिन्यूअसली आती रहती हो और हमारे सारे खर्चे, हमारे सपने उससे पूरे होते रहें। और तीसरी होती है सिक्योरिटी, मतलब कल की चिंता ना होना। ये तीनों चीजें अगर हमारे पास होंगी तो डेफिनेटली हम लोग खुश रहेंगे। अब देखते हैं कि किन के पास ये तीनों चीजें होती हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो क्या हमारे पास समय फ्रीडम, समय की आजादी होती है? क्योंकि नौकरी पे जाना है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे 6 बजे तक तो हमें जाना ही जाना है और कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है, और अगर नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी। तो क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है? तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। और क्या हमारे पास समय पैसे की फ्रीडम है? तो आप कुछ समझ सकते हैं कि सैलरी कौन सी तारीख को आपके अकाउंट में आती है
और कौन सी तारीख को खत्म हो जाती है, ये आपको आंसर दे देगा कि मनी फ्रीडम है या नहीं। सिक्योरिटी तो जॉब में आज की डेट में कहीं पे भी नहीं दिखाई देती। जिस दिन आपकी आपसे बॉस से बिगड़ गई, उस दिन समझिए आपका शायद आखिरी दिन होगा आपकी नौकरी में। तो सिक्योरिटी जॉब्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, और खासतौर से प्राइवेट जॉब्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें बिजनेसेस की या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जिनकी दुकानें हैं या अपना जी सर, जो अभी जॉब की बात कर रहे थे, अभी अमेरिका के अंदर 7 लाख लोगों को निकाला गया है अभी मार्च के अंदर। और जो अभी कोरोना का अटैक है, इसमें ये अभी आ रहा है कि करोड़ों लोगों की जॉब की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। मतलब या तो उनको टाइम दे दिया जाएगा कि 1-2 महीने में अपनी नौकरी दूसरी चूज करो, या फिर उनको जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसी समय उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। रीजन ये है कि जब अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज, अच्छे अच्छे बिजनेस, जब वो घाटों में होंगे, वो भी करोड़ों के घाटों में, जैसे अभी बात करें कि होटल इंडस्ट्री है, वो आज की डेट में करोड़ों की घाटे में है। एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, टूर एंड टूरिज्म की बात करें, और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आज की डेट में बंद है। तो कई बार ऐसा होता है कि जॉब में सिक्योरिटी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब कंपनी खुद ही बहुत घाटे में चली जाएगी तो वो हमारे को हमारी सैलरी कहां से देगी। जी सर, जी। और सर, ये वर्ल्ड वाइड रिसेशन है इस टाइम पे, ग्लोबल रिसेशन, राइट? और कई लोग जो इम्पोर्ट या भारत से जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेसेस भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड हैं, तो सबके ऊपर ही असर पड़ने वाला है। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, सिक्योरिटी आज की डेट में जॉब में बिल्कुल भी नहीं है, और हमें सोचना पड़ेगा कुछ ऑल्टरनेट मेथड्स के लिए, ऑल्टरनेट तरीकों के लिए, जिससे कि हमारी इनकम आती रहे। सर मैं आगे बढ़ूं? यस यस यस। तो हम लोग बात कर रहे थे वो बिजनेसेस जो जिसमें हम अपना समय लगाते हैं और जो हमारे समय के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कोई दुकान होना या कोई रिटेल स्टोर होना या शोरूम होना या बुटीक या ब्यूटी पार्लर, इस तरीके के। तो उनमें अगर हम देखें तो क्या टाइम की फ्रीडम है? तो जी साहब, टाइम की तो बिल्कुल भी फ्रीडम उसमें नहीं है, क्योंकि जब तक आप काम पे नहीं जाएंगे आपको इनकम नहीं आएगी। अगर आपने शटर डाउन रखा, आज की डेट में लोग बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझ पा रहे हैं कि दुकान नहीं खोल पा रहे हैं तो इनकम भी नहीं आती है। तो टाइम की फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं है, आप समय देंगे तो पैसा आएगा। इसी तरीके से मनी की फ्रीडम भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाता है। और उसी तरीके से सिक्योरिटी हम देख सकते हैं कि कोई भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है तो उसको अडाप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसकी वजह से कई सारे बिजनेसेस नुकसान में आ जाते हैं। कोई ऐसी अनसर्टेनिटी या फोर्स मेजोर टाइप की, जैसे आज की डेट में दिक्कत आ रखी है कोरोना की, ऐसे टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे काम धंधे बंद हैं, और बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ रहा है कि आगे क्या करेंगे। इसी तरीके से हमारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, अगर उनकी बात करें तो उनके पास भी समय की आजादी नहीं होती, क्योंकि वो जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही उनको पैसा आना है। अगर डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे जा रहे हैं तो पैसा आएगा, क्लिनिक पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। दैट मींस, और इनका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी क्लाइंट आ सकता है। तो टाइम की फ्रीडम नॉर्मली डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस में नहीं देखने को मिलती। दूसरी चीज, पैसे की आजादी भी इनके पास तभी तक है जब तक ये काम कर रहे हैं, और काम करना बंद तो पैसा आना बंद। आज की डेट में बहुत लोगों के यहाँ पैसा आना बंद हो चुका है, और इसी हिसाब से सिक्योरिटी है। अगर डॉक्टर बहुत अच्छा, मान लीजिए सर्जन है, जैसे हम जानते हैं हमारे जान पहचान में एक सर्जन थे जिनका, जो बहुत बड़े हार्ट सर्जन रहे, और कुछ समय के बाद उनका एक हाथ में शिवरिंग होनी शुरू हो गई, हाथ कांपना शुरू हो गया, तो वो सर्जरी नहीं कर पाते थे। तो किसी ने पूछा कि साहब, डॉक्टर साहब, आपके तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आप के पास तो लाइफ की सिक्योरिटी बिल्कुल होगी। तो वो कहते हैं, अब मेरे पास बताओ कहाँ लाइफ की सिक्योरिटी है? मैं जहाँ सर्जरी किया करता था और मेरे पास पैसे आते थे, अब मैं सर्जरी नहीं कर पाता और मेरे बेटा इस काम में आना नहीं चाहता, तो आप बताइए कैसी सिक्योरिटी हमारे पास रही। तो प्रोफेशनल्स के पास भी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी नहीं होती है। अब क्या तरीका है जिससे हमारे पास ये तीनों चीजें आ सकें? तो जी हाँ, इस दुनिया में एक तरीका है जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी की इनकम हमें तीनों चीजें देती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो इस रॉयल्टी को इनकम ले रहे हैं ये वही लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, ये वही लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं जो उनको पैसिव मनी देता है। एक चीज हमेशा ध्यान, हम रॉयल्टी के आगे बात करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने समय को बेच करके अमीर नहीं हो सकते। यहां पे हम फोर क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं जो दुनिया के बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े वेल्थ एक्सपर्ट हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने दिया। रॉबर्ट कियोसाकी जी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि दुनिया में लोग चार तरीके से पैसा कमाते हैं, एक होते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट के, एक होते हैं राइट क्वाड्रेंट के। लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग होते हैं जो जब तक समय देंगे अपना तब तक उनके पास पैसा आएगा, समय देना बंद तो पैसा आना बंद। और राइट में वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं। बिजनेस वाले कौन होते हैं, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क है। सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक आप अपना समय दे रहे हो तो पैसा आ रहा है। बिजनेस में लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम, वो नेटवर्क, वो ग्रुप उनके लिए काम करता है, भले ही वो फिर अपना खुद का टाइम दें या ना दें, काम उनका होता रहेगा और उनके पास पैसे आते रहेंगे। इसी तरीके से जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, मतलब पैसे को सही जगह पे लगाना शुरू करते हैं। वो भले ही किसी प्रॉपर्टी में लगाएं, किसी स्टॉक में लगाएं, किसी शेयर में लगाएं या किसी बिजनेस में, अब उनका पैसा पैसा कमा करके देता है। तो ये चार तरीके के लोग हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट में जितने लोग हैं, ये दुनिया में अगर देखा जाए तो 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो राइट क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है, हैरानी की बात यह है कि इन 95% लोगों के पास दुनिया की वेल्थ का सिर्फ 5% है और इन 5% लोगों के पास दुनिया की वेल्थ का 95% है। तो अब खुद सोचिए आप किस क्वाड्रेंट में आना चाहेंगे। अभी भी हमारे सपने हैं और इन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल पाता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें और अपने सपनों को कैसे पूरा करें। बहुत सारे अलग अलग चीजें हम सोचते हैं लेकिन हमें राइट पाथ नहीं मिल पाता। अब अगर हमें वाकई में अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, चाहे वो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, अगर तो हमारे सपने वहां से पूरे हो सकते हैं तो साहब मुबारक हो, आप वो करते रहिए। और अगर वहां से नहीं पूरे हो सकते, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आंखें खुल चुकी होंगी, तो अगर वहां से पूरा नहीं कर सकते तो अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अप्रोच ऐसी करनी पड़ेगी जहां से आपको पैसिव इनकम या रॉयल्टी आए। और ये अप्रोच क्या चेंज कर सकते हैं, आप या तो कोई सिंगर बन जाइए, कोई गायक बन जाइए, कोई हिट गाना गा दीजिए, आप जब भी आपका गाना बिकेगा आपके पास इनकम आती रहेगी, या कोई अच्छी सी किताब लिख दीजिए, वो किताब जब भी आपकी बिकेगी आपके पास इनकम आती रहेगी, या साइंटिस्ट बन जाइए जैसे एडिसन साहब ने बल्ब का इजाद किया। आज जब भी बल्ब बिकता है उनकी कंपनी GE से तो उनको इनकम आती रहती है। अब इन तीनों चीजों में तो साहब हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक दुनिया का सबसे तेजी के साथ बिल्ड होने वाला, सबसे तेजी के साथ ग्रो होने वाला एक बिजनेस है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी साहब, इससे लोग, लाखों करोड़ों लोग आज की डेट में अपने सपने पूरे कर रहे हैं और अपनी रॉयल्टी और पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं। उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की आज बात कर रहे हैं जिसका नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर कंपनी, इसकी शुरुआत की समीर मोदी साहब ने, जो एक बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं खुद में, और इनका परिवार आज की डेट में हिंदुस्तान में टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स में से जाना जाता है। समीर मोदी जी का सिर्फ एक ही विजन है और वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है आजादी। वैसे तो समीर मोदी जी ने हमारे को मोदी केयर में सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक इस्तेमाल होने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, लेकिन फिर भी समीर जी कहते हैं मेरा पर्पस, मेरा विजन सिर्फ ये है कि आपको आजादी मिल सके, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपको सपने देखने की और सपने पूरे करने की आजादी मिल सके। जी हाँ, इस अपॉर्चुनिटी से हमें रॉयल्टी की इनकम मिलती है, हम अपने टाइम को लीवरेज कर पाते हैं, मतलब टाइम को हम फ्री कर पाते हैं और हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। अब बात करते हैं
हमारी रीढ़ की हड्डी की यानी हमारे बिजनेस की जो जान है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। मोदी केयर में हमें 500 से ज्यादा SKUs मिलते हैं, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स। हमें 10 कैटेगरीज में अभी तक प्रोडक्ट्स मिलते थे, अब 2 कैटेगरीज और बढ़ गई हैं। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ऐसी है जो किसी की भी पॉकेट को चुभेगी नहीं, बल्कि मैं अगर आपको गारंटी दूं तो इस बात की गारंटी दूंगा कि हमारा प्रोडक्ट बाजार के किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले में उसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत कम प्राइस के ऊपर पड़ता है। और हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक यूनिक सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है जिसमें समीर मोदी जी खुद लिख करके देते हैं, आई पर्सनली गारंटी अ फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है आप उसे वापस कर सकते हैं, आपको 100% आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इसकी सिर्फ 2 कंडीशन होती है, जिस दिन हमने खरीदा उससे 1 महीने के अंदर अंदर वापस करना है, दूसरा 25% यूसेज तक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज की जो हमारे पास हैं। हमारे पास यहाँ पे हेल्थ की कैटेगरी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में बहुत रोल प्ले कर रही है हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे मेन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास यहाँ स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, होम केयर के, जिसमें सुबह से शाम तक जो हमारे घरों में काम होते हैं जैसे कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, पोछा होना, सफाई होना, इवन घर को डिसइंफेक्ट करना जो आज की डेट में बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारा एक लाजवाब प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है स्टरी क्लीन। ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट में से है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये प्रोडक्ट इस तरीके के हमें मिलते हैं। कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री केयर की पूरी रेंज है। इसके अलावा हमारे पास फूड एंड बेवरेज की रेंज है जिसमें हमारे पास तेल, घी, मसाले, चाय, कॉफी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बच्चों की टॉफियां भी मिलती हैं सब। इसके अलावा ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बच्चों की केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास किसानों के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जिससे किसान भाइयों की उपज जो है वो लगभग 30-40% के करीब बढ़ जाती है। और हमारे पास कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, प्लस अभी 2 कैटेगरीज हमारी और प्रोडक्ट की लॉन्च हुई हैं। एक तो बहुत ही लाजवाब और मेरी फेवरेट, मेरे को बहुत शौक है जिस चीज का, वो कैटेगरी लॉन्च हुई है जिसका नाम है वॉचेस, घड़ियां। जी हाँ, बहुत खूबसूरत घड़ियां कंपनी ने इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे लिए लॉन्च की और मैं तो अपनी घड़ियां ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं की तो एक बार कैटलॉग देखिए और जरूर बुक करिए। और उसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट कंपनी ने कल रात को यानी आज जिसका पहला दिन है इसको लॉन्च किया है, और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आज की हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज की डेट में अपने मोबाइल्स या लैपटॉप्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, इंटरनेट का बहुत यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, और ऐसे टाइम में एक बहुत बड़ी चोरी का खतरा है जो हमारे मोबाइल से हो सकती है और वो है हमारा डेटा। और इस डेटा को चुराने के लिए बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं और कई बार हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नेट के ऊपर शेयर्ड होती है। जैसे अगर हम गूगल पे जाएं, कोई प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, लेट्स से शूज, तो हम देखेंगे कि फेसबुक में या यूट्यूब में हमें उसी के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा सारा डेटा शेयर हो रहा है। तो ये और कई सारी बार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत सारी न्यूज भी आई है कि किसी के अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकल गए, किसी के अकाउंट से 5,00,000 रुपए निकल गए। तो इन सारी चीजों से हमें बचाने के लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप कंपनी का थैंक यू करिए। और हमारे प्रोडक्ट का नाम है माइटी गार्ड। मलिक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में अगर हम कुछ बात कर सकें। फियाज जी, माइटी गार्ड बेसिकली, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया है, हर घर की जरूरत है मोबाइल। इनफैक्ट हर घर की नहीं, हर व्यक्ति की जरूरत है इस समय मोबाइल। मोबाइल है तो उसका डाटा भी है और उसके अंदर फोटोज भी हैं, उसके अंदर वीडियोज भी हैं, उसके अंदर हमारी फैमिली के भी फोटोज हैं। तो बहुत कुछ है जिसको हमारे को सिर्फ पर्सनल रखना होता है, सिर्फ अपने घर के लिए रखना होता है।
और जहां तक बैंक की डिटेल की बात करें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल की बात करें, डेबिट कार्ड की डिटेल की बात करें, उनके बारे में भी सिर्फ हमारे पास नॉलेज होगी तो हमारा पैसा भी सेफ होता है। लेकिन हैकर्स जैसे आपने बताया कि हर जगह होते हैं, इनफैक्ट बहुत जगह हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं, हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहां पर फ्री वाईफाई होता है और वहां पर जब हम वाईफाई यूज कर रहे होते हैं तो हैकर्स भी वहीं पर होते हैं। कब किस वजह से हमारा डाटा चला जाता है हमें नहीं पता चलता। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे हम प्ले स्टोर से कुछ ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उनको हमें परमिशन देनी पड़ती है, जब परमिशन देती है तो पता नहीं कब हमारा डाटा हैक हो चुका होता है और वो जो डाटा हैक हो चुका होता है वो मिसयूज कभी भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली लॉस हो, चाहे उसके अंदर हमारे घर की प्राइवेसी खत्म हो, चाहे हमारे फैमिली के फोटोज वहां पर चले जाएं, लेकिन उसका मिसयूज कभी भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि उस प्रोडक्ट की डिटेल के लिए आपके अप्लायंस टाइम टू टाइम कोई ना कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, सिर्फ 666 रुपए में है। साथ ही साथ हम बीवी की भाषा को जानते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक बीवी होता है, हाईएस्ट बीवी हमारी कंपनी के द्वारा जो मिलता है वो 60% है और इस पर भी हमारे को 60% बीवी मिल रहा है। अच्छी बात है कि अभी पहले 10 दिन की ऑफर है कि अगर हम एक से ज्यादा लेते हैं, दो या तीन लेते हैं, तो वो 60% की जगह 65% मिलता है हमारे को, और अगर चार या चार से ज्यादा लेते हैं तो वो हमारे को 70% बीवी। मतलब आज तक मोदी केयर में 7 साल से मैं हूँ, आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे सामने लॉन्च हुए लेकिन 70% बीवी हमारे को पहली बार मिला है। इसका भरपूर फायदा उठाइए। आपके पास चार अगर आप इकट्ठा खरीदते हैं, जरूरी नहीं है आपने आज ही यूज करने शुरू करने हैं, आपकी फैमिली में चार लोग हैं, चार मोबाइल हैं, तो आज ही से सब में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी फैमिली के अंदर दो दिया और दो आपने किसी को सेल करने हैं या किसी को गिफ्ट करने हैं, जिस दिन वो आप किसी और को गिफ्ट करेंगे या सेल करेंगे उस समय से 1 साल की वैलिडिटी तक वो उनको उनके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है आज आपने इन्वेस्ट किया तो इसका फायदा आज ही है, अगर आप चाहेंगे तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर आप बेचेंगे या गिफ्ट करेंगे तो भी उनके लिए पूरा 1 साल बच जाता है उसके बाद, जिसमें उनका मोबाइल हमेशा के लिए पूरे साल के अंदर वो प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। तो ऐसे ही मोदी केयर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मई के अंदर तैयारी कर रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आने वाले 3 से 4 महीने में शानदार बढ़िया से 25 से 30 नए प्रोडक्ट, क्योंकि समीर मोदी सर एक ही बात कहते हैं कि मुझे चाहिए आपकी आजादी। कुछ ऐसी तैयारी कर रही है मोदी केयर कि हमारे जितना भी नुकसान हुआ होगा लॉकडाउन के बीच, जबकि हम जानते हैं कि बीच में ऐसी ऐसी ऑफर्स आई हैं, जैसे डबल की धमाका अभी खत्म हुआ है तो यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा जितना बीवी पिछली बार हुआ है उससे ज्यादा बीवी तो हमारी टीम ने और पूरी मोदी केयर के सारे कंसल्टेंट ने कर दिखाया है। साथ ही साथ में कंपनी तैयारी कर रही है कि ये स्पीड डबल हो जाएगी जब हम 3 से 4 महीने में 25 से 30 प्रोडक्ट नए लॉन्च करेंगे, प्लस कुछ नई ऑफर्स लेकर आएंगे, कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे कि स्पीड का डबल या ट्रिपल होना संभव है। मतलब अगर आपने 2022 का कोई गोल ले रखे हैं तो वो आपके 2021 में पूरे होने के चांस हैं, और अगर आपने कोई 2021 के गोल ले रखे हैं वो आपके सपने 2020 में पूरे होने के चांस हैं। ओवर टू फियाज जी, फियाज जी आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कंपनी का कि इतना ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं और हमारे लिए प्रोडक्ट्स की बाड़ लगा रखी है। और जो लोग मैं अगले 2021 दिसंबर का जो टारगेट ले रहा था, अब मैंने वो 2021 मार्च का ही टारगेट ले लिया है क्योंकि इतने सारी प्रमोशनल चीजें हमारे पास आ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो हम लोग मोदी केयर की बात कर रहे थे, तो मोदी केयर जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है जो आज लगभग 63,000 करोड़ के करीब का ग्रुप है, और हम जानते हैं कुछ नाम जैसे मोदी नगर एक शहर पूरा का पूरा इनके नाम के ऊपर बसा हुआ है, हिंदुस्तान की सबसे पहली शुगर मिल इन्होंने लगाई मोदी शुगर के नाम से, टेक्सटाइल्स में हमारा मोदी ग्रुप बहुत आगे है, मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनके, 24/7 स्टोर, ये एकमात्र ऐसे स्टोर्स हैं जो 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन खुले रहते हैं साल में, और मोदी थ्रेड्स मोदी धागे
मोदी ग्लास, कलर बार कॉस्मेटिक्स, ये हिंदुस्तान का नंबर तीसरा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड बन चुका है। पान विलास पान मसाला, इंडोफिल जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाती है और किसान इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जो हिंदुस्तान की लीडिंग टोबैको कंपनी है, मालब्रो, कैवेंडर जैसे इनके ब्रांड है। तो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है हमारा मोदी ग्रुप। अब हमें यहाँ पे करना क्या है इसको समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा काम हमें यहाँ करना है, सिर्फ हमें अपनी जो बाइंग हैबिट है, जो हम दुकान से जाकर के आज तक शॉपिंग करते थे, उसको बदल करके अब हमें मोदी केयर के दुकान से, मोदी केयर के स्टोर से, मोदी केयर के ऑनलाइन वेबसाइट से हमें अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर देनी है। और हमें एक ग्रुप बनाना है हमारे ही जैसे, जो सुबह से शाम तक लोग पेस्ट करते हो, नहाते हो, धोते हो, खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, ऐसे लोगों के हमने एक ग्रुप बनाना है और इनको अपने साथ अपनी टीम में लेकर के आना है। और हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। कैसे होंगे इसको समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि जब भी हमें कोई सामान लेना है तो हम दुकानदार या रिटेलर से लाते हैं, रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। ऐसे में होता क्या है कि कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का निकाला, हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 50 रुपए का हो जाता है, क्योंकि जितने भी बीच में जितनी भी चेन है, इस चेन के हर सदस्य को पैसे जाने हैं, हर सदस्य को मार्जिन जाना है, और ये सारा मार्जिन जाता किसकी जेब से है, हमारी जेब से एज अ कस्टमर। और इसके अलावा कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाना है, उसके लिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करने पड़ते हैं, और बहुत सारे पैसे इसमें भी चले जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय जैसे लोग आते हैं, तो करोड़ों में पैसे ले लेते हैं। और ये सारा पैसा किसकी जेब से जाता है, ये भी हमारी ही जेब से जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में या मोदी केयर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मोदी केयर सिस्टम में कंपनी डायरेक्ट हमें सामान देती है और हम अपने आगे कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, अपने साथियों को दे सकते हैं, या वो भी डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ करके सामान ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि कंपनी जो पैसा बांट रही थी पहले बीच में, वो पैसा कंपनी के पास बचता है, जिसकी वजह से कंपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ा देती है, प्लस बहुत सारे ऐसे ऑफर्स और स्कीम्स देती है जिससे हमें वो प्रोडक्ट बहुत बहुत कम प्राइस के ऊपर पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अब हमें बहुत अच्छे और हमारे पॉकेट को सूट होने वाले दाम के ऊपर मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा जब हम अपना ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, तो हमें इनकम भी मिलनी शुरू हो जाती है। अब हम एज अ मोदी केयर कंज्यूमर हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है रिटेल बेनिफिट। हर प्रोडक्ट का एक MRP होता है, हमें अब MRP पे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में और MRP में लगभग 10-20% का फर्क होता है। इसका मतलब यह है 10-20% के करीब की हमारी बचत होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट हमने 100 रुपए का खरीदा है और उसके ऊपर 20% का मार्जिन है, तो उसका MRP 120 रुपए होगा, मतलब 20 रुपए सीधी हमारी बचत है, या अगर हमने किसी और को दिया तो 20 रुपए हमारी कमाई है। दूसरा बेनिफिट होता है रीपर्चेज बेनिफिट। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे जो हर महीने हमारे घर आते हैं। अब अगर हम मिनिमम 1000 रुपए का सामान कंपनी से लेते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी हमें एक गिफ्ट देती है, और गिफ्ट सबको पसंद होते हैं। यहाँ पे हमने 1000 का सामान लिया तो उसके ऊपर हमें 10%, मतलब 100 रुपए का हमें गिफ्ट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर 2000 रुपए का सामान लिया तो 200 रुपए का, 3000 का लिया तो 300, और 5000 का लिया तो 500 रुपए का हमें गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है जो पहली तारीख को ही कंपनी अनाउंस कर देती है। तीसरा बेनिफिट होता है लॉयल्टी का। यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आप अपने घर के जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाला सामान है, अगर वो आप हमसे लेना शुरू कर देते हो और हर महीने 15 तारीख से पहले पहले लेते हो, और कम से कम अगर 2500 रुपए का लेते हो, तो हम आपको एक अनोखा बेनिफिट देंगे जिसे कहते हैं लॉयल्टी का बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 महीने हमने कंटिन्यूअस 15 तारीख से पहले 2500 रुपए का सामान लिया, तो 7वें महीने में हमें 2500 रुपए के सामान हमारी पसंद के हिसाब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरीके से 7वें महीने से 12वें महीने तक अगर हम फिर से वही 2500 रुपए का सामान लेते रहते हैं, तो 13वें महीने में हमें फिर से 2500 रुपए के सामान फ्री मिलेगा। प्लस क्योंकि हमारा 1 साल भी हो गया, तो कंपनी हमें यहाँ पे एनुअल लॉयल्टी भी देती है 2500 रुपए की। दैट मीन्स 13वें महीने में हमें 5000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है हमारी चॉइस के हिसाब से।
और अगर यही हम देखें कि अगर 5,000 का सामान हमने दिया है और 12 महीने तक देते रहते हैं, तो 60,000 रुपए का सामान हमने साल भर में दिया, हमें सामान फ्री कितना मिल गया? 7वें महीने में 5,000 और 13वें महीने में 10,000, मतलब 15,000 रुपए। दैट मीन्स 25% का हमें लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो 25% ये रीपर्चेज बेनिफिट का 10% और रिटेल प्रॉफिट का 20%, मतलब 50-55% के करीब हमें एमआरपी पे बेनिफिट मिल जाता है हम जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं। और क्योंकि कंपनी इतनी विजनरी है और हमारे समीर मोदी जी इतने दरिया दिल इंसान है कि उन्होंने देख लिया था कि इस समय थोड़ी सी परेशानी आने वाली है लोगों को, तो उन्होंने इस महीने एक को लॉयल्टी की डेट 15 तारीख की जगह बढ़ा करके 25 तारीख कर दी। और दूसरी चीज, उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा अगर आप 2500 का सामान नहीं ले पाते कोई बात नहीं, इस महीने अगर 1500 का भी आप सामान लेंगे तो भी हम आपको लॉयल्टी में काउंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच समीर जी। इसके अलावा हमें 7% से लेकर के 22% तक का कैशबैक मिलता है हमारे बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, जो हमारे अकाउंट में आता है, जो हमें चेक के रूप में मिलता है। अब कैश बैक बीवी को समझ लेते हैं। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि एमआरपी से हमने देखा 50% तो कंपनी ने हमें छूट ही दे दी, तो कंपनी के पास पहुंचे, लेट से 100 रुपए का सामान था तो कंपनी के पास पहुंचे 50 रुपए। अब 50 रुपए कंपनी का मार्जिन तो है नहीं, बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉस्ट जाएगी, तो ये सब कुछ निकाल के जो बचता है वो होता है कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम। और एज इट इज वो बिजनेस वॉल्यूम हमें मिल जाता है और उसके ऊपर हमारे मंथली चेक्स कैलकुलेट होते हैं। एवरेज अगर हम देखा जाए तो 10% से 7% तक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे हम देख रहे हैं 70% तक मिल रहा है, तो एवरेज जितना भी हम सामान लेंगे उसका 50% हमें बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। अब अगर हम बात करें समीर मोदी आजादी प्लान की कुछ खासियतों की, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ ये एक ऐसा प्लान है जो हमें 62% जहां पे कंपनी अपने प्रॉफिट का, अपने मार्जिन का, जिसे हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मतलब 62% हम लोगों के बीच में बांट देती है और 38% कुल अपने पास रखती है। ये बिजनेस क्यूमुलेटिव है, हर महीने हमारे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, उससे फायदा ये होता है कि हमारे लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं और बड़े आसानी से बढ़ पाते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे जो भी टाइटल्स अर्न करते हैं वो जिंदगी भर के लिए होते हैं। एक बार कोई डायरेक्टर बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए डायरेक्टर बन गया, कोई जीबीडी बन गए तो वो जिंदगी भर के लिए जीबीडी बन गए। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, तो कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। इस बिजनेस से हम अपने घर का, अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर सकते हैं, विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हर साल कोई रिन्यूअल फीस नहीं होती, यहाँ हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। हम देख रहे हैं कि जैसे अभी एक माइटी गार्ड हमारा प्रोडक्ट आया है, उसके ऊपर भी हमें बीवी मिल रहे हैं, यानी उसके ऊपर भी हम इनकम, मतलब हम अब आईटी में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। और एक यूनिक हमें गारंटी मिलती है जिसका नाम है सेटिस्फेक्शन गारंटी। यहाँ पे 9 माइलस्टोन्स होते हैं आगे बढ़ने के, डायरेक्टर से लेकर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी पर्सन अगर इस बिजनेस को आज शुरू करता है तो बहुत आराम से 3-5 साल के अंदर अंदर टॉप लेवल को अचीव कर सकता है। अब समीर मोदी आजादी प्लान में हमें किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, 20% का जैसे मैंने आपको बताया रिटेल प्रॉफिट हमें मिलता है, इसके बाद 7-22% हमें एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो हमारे बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमें कन्वर्ट होकर के मिलता है। ये हमारे खुद की परचेज पे भी हमें मिलता है और हमारे ग्रुप की परचेज पे भी मिलता है। फिर एक टाइम आता है जब हम 22% पहुंच जाते हैं और हम डायरेक्टर बन जाते हैं, यहां से हमारी एक और इनकम शुरू होती है जिसे कहते हैं 14% डायरेक्टर बोनस पूल। यहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट में से हमारे साथ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, मतलब जब हम खुद लीडर बनते हैं और अपनी टीम में लीडर्स बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब सीनियर डायरेक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं, तब हमें ये लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आना शुरू होता है जो 15% होता है। फिर आउटबाउंड ट्रैवल बोनस, ये हमें 3% मिलता है, ये हमारे फॉरेन ट्रैवल के लिए एडअप किया जाता है। और फिर ड्रीम व्हीकल बोनस जो हमारी गाड़ी के लिए जोड़ा जाता है 5%, जो जिससे हम अपने सपनों की गाड़ियों को लेकर के आ सकते हैं। फिर ड्रीम होम बोनस 3% और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे तो रिवॉर्ड्स की कंपनी ने बाड़ लगा रखी है एक तरीके से। अभी जैसे 100 PV के ऊपर डबल PV का जो ऑफर था
जिसमें हम जितना भी बिजनेस कर रहे थे, जो भी हमें पॉइंट्स मिलते थे वो डबल हो जाते थे। मतलब कंपनी अपनी तरफ से डबल हमारे साथ शेयरिंग कर रही है। तो इस तरीके के रिवॉर्ड्स हमें कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं, प्लस रिकॉग्निशन तो साथ लाजवाब है। स्टेज पे आने का जो मजा है और स्टेज पे आकर के जो आपको सम्मानित किया जाता है, ऐसा सम्मान जिंदगी में साहब आपको कभी भी नहीं मिल सकता जी। अब बात करते हैं साहब, कमाई कैसे होगी, इनकम कैसे आएगी। तो यहाँ पे हम बेसिक की बात कर रहे हैं। सिर्फ 15,000 रुपए से अगर 1.5 लाख रुपए तक आप जानना चाहते हैं तो मैं अगले 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से हम 15,000 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं मोदी केयर से। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने जैसे लोग जो सपने देखते हैं, जो आजादी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं, जो सुबह से शाम तक नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिनके घर में बर्तन धुलते हैं, ऐसे कुछ लोगों की हमने लिस्ट बनानी है और उनमें से 6 लोगों को अपनी टीम में एज अ कंसल्टेंट लेकर के आना है। अब ये 6 लोग अगर अगले महीने अपनी टीम में ये भी 6-6 लोग ले आए तो आपकी टीम और बढ़ेगी। लेकिन अगर 6 लोग नहीं भी ला पाए ये और सिर्फ 3 लोग भी अपनी टीम में लेकर के आ गए तो 6 × 3 आपकी टीम में 18 नए लोग हो जाते हैं। और ये 18 लोग अगर 2 लोगों को भी अपनी टीम में आगे ले आए तो आपकी टीम में नए 36 लोग और आते हैं, तो आपकी टीम बन जाती है 60 लोगों की। जब 60 लोगों की आपकी टीम बन जाती है और ये सिर्फ अपने घर का, यानी जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला, अगर 4,000 से 5,000 रुपए का भी ये सामान यहाँ से लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस वॉल्यूम लगभग 50% मिलता है, तो 4,000 का 50% हुआ 2,000 बिजनेस वॉल्यूम। मतलब 60 लोग अगर 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो 1,20,000 का बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है उस पर्टिकुलर मंथ में, और आपकी इनकम पहुंच जाती है बड़े आराम से 15,000 रुपए महीना। अब अगर ये 60 लोग आपकी लाइफ में हमेशा अपने घर के प्रोडक्ट सिर्फ मोदी केयर से लेते रहे तो हमेशा आपके पास 15,000 रुपए महीना कम से कम आता रहेगा। अब आपके दोस्त जिनको आप इस बिजनेस में लेकर के आए हैं वो कहेंगे साहब आपके तो 15,000 आने शुरू हो गए, हमें भी तो आगे बढ़ाइए। तो आप उनको भी सिखाते हैं कि 15,000 रुपए कैसे कमाना है, उनको भी 6-3-2 का फॉर्मूला समझा देते हैं, उनके घर में 15,000 रुपए आने लग जाते हैं और वो सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। जैसे आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो आपको एक और कंपनी फंड देना शुरू करती है जिसे कहते हैं फॉरेन ट्रैवल फंड। मतलब बस इतना एक इंसान को ही आगे बढ़ा करके आपका विदेश जाने का सपना अब पूरा होने लग जाता है। मैं अभी कंपनी की तरफ से विदेश जाकर के आया हूँ पटाया, और साहब क्या बताऊं, मजा आ जाता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है वहां पे। और इस लेवल पे आपकी इनकम लगभग 25,000 रुपए के करीब हो जाती है। और हम आगे बढ़ते हैं और अपने 3 साथियों को अगर 15,000 रुपए महीना कमाना सिखा देते हैं और उनको भी सीनियर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा देते हैं, और करना क्या है, सिर्फ 6-3-2 का फॉर्मूला उनको भी समझाना है, तो हमारे लिए एक और बोनस खुल जाता है जिसे कहते हैं कार बोनस। मतलब अब गाड़ी के लिए आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है और आपकी टोटल इनकम यहाँ पे लगभग 75,000 रुपए महीने के करीब हो जाती है। थोड़ा और आगे चले और 6 के 6 दोस्तों को अगर हम 15,000 रुपए महीना कमाना सिखा दें और उनको भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करवा दें तो एक और बोनस हमारे लिए खुलेगा, और ये हमारे सपनों के घर के लिए है। ये 3% का बोनस हमारे सपने का घर बनाएगा और यहाँ पे हमारी पहुंचते इनकम हो जाती है लगभग 1.5 लाख रुपए महीना। तो साहब 1.5 लाख रुपए महीना रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम अगर हम चाहते हैं तो आज ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। और फिर एक रॉयल्टी इनकम्स होती है जो हमने बात की, डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप बोनस, इनकी डिटेल्स आपको जिन्होंने ये बिजनेस के लिए इनवाइट किया है आप उनसे ले सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब इनकम्स हैं और ये आपकी फैमिली को और जनरेशन को आती रहेंगी। अब यहाँ पे हर इंसान जो इस बिजनेस में कदम रखता है वो सक्सेस पा सकता है, सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, वो है 100% सक्सेस मंत्रा। इसमें सिर्फ 5 स्टेप्स दिए हुए हैं और ये 5 स्टेप्स हैं। पहला, अपना सेल्फ यूज, अपने घर का 2,000 बीबी का कम से कम हर महीने हम सामान लेते रहें। दूसरा, शेयर करें हम प्रोडक्ट्स को और अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम स्पॉन्सर करें लोगों को, मतलब इस बिजनेस में लेकर के आए और उनकी जिम्मेदारी उठाएं। और सिस्टम फॉलो करें, मतलब ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स का सिस्टम हम फॉलो करें, अटेंड करें, चीजें सीखें इस बिजनेस के बारे में। हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है, 4 मीटिंग, 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार जो आज की डेट में हम देख रहे हैं रोजाना ऑनलाइन भी हो रहा है। सिर्फ ये काम करते रहे और जितने लोग हमारे साथ हमारे टीम में आते रहे
उनको भी यही सिखाते रहे, अपनी एक टीम 25 बना लें, उनको भी यही चीज सिखाते हैं, तो कोई भी इंसान बहुत आराम से कामयाब हो सकता है। अब साहब इंतजार किस चीज का है? अगर चीज समझ में आ गई है तो देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर से अंधेर होती है। तो बेटर है कि अभी हम शुरू करते हैं। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, और अपनी पहली सक्सेस की किट को ऑर्डर करते हैं। मिनिमम अगर हमने 4,000 रुपए से भी अपनी सक्सेस किट ऑर्डर की तो देखिए 4,600 रुपए एमआरपी के तो हमें प्रोडक्ट्स ही मिल जाएंगे, उसमें 400 रुपए के हमें गिफ्ट मिल जाएंगे, और 100 रुपए का तो हमारे पास चेक आ जाएगा। मतलब 4,000 रुपए में 5,100 रुपए का तो हमें बेनिफिट ही मिल गया, तो फिर सोचना किस बात का है। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, डिसीजन आपका होगा, आप हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। अगर ना करेंगे तो क्या होगा? जैसे जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं आने वाला। हो सकता है जिंदगी का लाइफस्टाइल आगे चल करके नीचे की तरफ भी आ जाए, लेकिन साहब मर्जी आपकी है। अगर हाँ करते हैं तो दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब आपने मुझे बताना है, अगर 4,000 रुपए दे करके 5,100 रुपए की चीजें ही आपको मिल गई तो इसमें क्या कोई लॉस है? जरा सोच के देखिए, ध्यान लगाइएगा। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई लॉस है, लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट की बात करें तो जिंदगी भर 20% का आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। हर महीने जो आप सामान लेंगे उस पर 10% का गिफ्ट मिलेगा। लॉयल्टी के बोनस आपको, मतलब साल में 3 बार का सामान आपको फ्री मिलेगा। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। 7-22% की आपको इनकम मिलेगी, परफॉर्मेंस बोनस। आपको ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। हेल्थ की, ब्यूटी की, पर्सनैलिटी की और मेकअप की ट्रेनिंग आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको जिंदगी भर के लिए फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे। आप एक के बाद दूसरी अपनी ड्रीम कार लेकर के आ सकते हैं। आप अपने सपनों का घर यहाँ से बना सकते हैं, और आपको जिंदगी भर आगे चल करके रॉयल्टी मिलती रहेगी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप बोनस। अब जिंदगी में साहब सिर्फ 3 तरीके के लोग होते हैं, इसके अलावा कोई लोग नहीं होते। एक वो लोग होते हैं जो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सुनते हैं और सर को खुजाते रहते हैं और सोचते रहते हैं पता नहीं ये ठीक है नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां ये होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो नजर लगाए आपको बैठे रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपके साथ आते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद आज नहीं आएंगे लेकिन बाद में आएंगे, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली आप सबकी तरह ऐसे होते हैं जो लोग जैसे ही इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं उसी टाइम पे डिसीजन लेते हैं और शुरू करते हैं, और अपने सारे सपने, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपनों को अगले 3-5 साल के अंदर पूरा करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। अब साहब आपने डिसाइड करना है, फाइनली आप किन में से आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप पहली कैटेगरी के लोग हैं जो शुरुआत करते हैं। मेरा ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। मैं वापस इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, जिन्होंने लाखों की जिंदगियां आज बदलती हैं, जिन्होंने लोगों को कामयाब होना सिखाया है, मिस्टर मनोज मलिक जी। थैंक यू वेरी मच प्यास भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया कि किस तरीके से हम सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक बारी जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने घरों से जोरदार तालियां बजाएंगे प्यास भाई के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके की प्रेजेंटेशन दी है। और सच में अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन कभी भी देखी होती इतनी बढ़िया तरीके से तो मैं ज्वाइन कर लेता, और ये मौका मेरे को 7 साल पहले मिला, मैंने ये ज्वाइन किया। और आज अच्छी बात ये नहीं है कि हमारी लाइफ चेंज हो गई है, अच्छी बात ये नहीं है कि हमारे घर में 14.5 लाख रुपए महीना आ रहा है, अच्छी बात ये नहीं है कि हमारे पास इस समय BMW 5 सीरीज 70 लाख की आ चुकी है, अच्छी बात ये नहीं है कि हम 10 बारी फॉरेन घूमकर आ चुके हैं, इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि हमारी टीम के अंदर लगभग 80 से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं, मतलब लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इससे भी अच्छी बात है कि हमारी टीम के अंदर 150 से ज्यादा कार आ चुकी है। इससे अच्छी बात ये है कि हमारी टीम में 1,000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। जाने से पहले हम एक स्टोरी आपको दिखाएंगे, उसके बाद आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे और फिर हम कल मिलेंगे। लेकिन वो स्टोरी जरूर देखिए, क्योंकि जिस दिन मैंने वो स्टोरी देखी थी
उस दिन के बाद आज तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना तो कोई नेगेटिव कर पाया, ना ही कोई मुझे हिला पाया। 7 साल पहले इस बिजनेस में आया था और आज हमारी जिंदगी चेंज हुई है। हमारी तरह सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी हमारी टीम के अंदर चेंज हुई है और पूरे इंडिया के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो गई है। एक छोटी सी स्टोरी। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है, तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पाब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था।
पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पाब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पाब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पाब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पाब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पाब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पाब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पाब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पाब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले
अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं।